So good morning, friend. Once again, today again we will start with the revision of electricity. Yesterday we have seen some problems regarding to the series and parallel combination. In that I have given you some problems. I hope you have solved them. Let us continue with such type of problems again. Yesterday we studied something about balanced resistance network. Today we will study still more problems, but today we will study to calculate current and potential difference. So up till now we have discussed what is the equivalent resistance, how to calculate the equivalent resistance. One problem we solved about calculating the current and your potential difference. But today we will more emphasize on calculating the current and the potential difference. एक बार वो आपका प्रैक्टिस हो गया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम इजी चलेगा. ओके, तो पहले इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स वी विल स्टार्ट विद. ये सब आपको मालूम है लेकिन इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स. तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, अगर सीरीज है तो आपको मालूम है सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है और पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. और अगर पैरेलल है तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है. तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है तो V इज इक्वल टू आई आर. तो यहां में आई कैन गो विथ टू एस्पेक्ट. फर्स्ट इज आई कॉन्स्टेंट. इफ आई इज कॉन्स्टेंट, आई इज कॉन्स्टेंट, देन फॉर द गिवन रेजिस्टर्स द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी वेरिड अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टर वैल्यू. मतलब क्या है, सपोज यहां पे 2 ओम है, यहां पे 4 ओम है और यहां से करंट कितना जा रहा है, 0.1 एम्पीयर करंट जा रहा है. और आपको पूछा है ये दो रेजिस्टर है इनके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा. तो सिंपल है, V इज इक्वल टू आई आर. V इज इक्वल टू आई आर. तो फॉर्मूला लगाने से बेहतर है आप क्या समझो, उसका फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा. अगर I कांस्टेंट है उसमें क्योंकि वो सीरीज में है, तो जिसका रेजिस्टेंस कम उसका पोटेंशियल कम, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका पोटेंशियल ज़्यादा. ये तो की पॉइंट है. देखो ना बेटा, यहाँ पे अगर आप बोलोगे तो 2 × 0.1 दैट इज 0.2 वोल्ट, यहाँ पे 4 × 0.1 0.4 वोल्ट, 0.2 प्लस 0.4 0.6 वोल्ट विल बी द टोटल पोटेंशियल. लेकिन यही चीज अगर आप ऐसे उनको कर दो अभी क्या हो जाएगा, अभी उनका पोटेंशियल तो कांस्टेंट रह जाएगा. ये 2 ओम, ये 2 ओम, फिर से यहां से करंट पास किया, I इज इक्वल टू 0.1 एम्पीयर. अभी क्या हो जाएगा, आपको मालूम है ये तो पैरेलल में, तो इनका पोटेंशियल तो V कांस्टेंट रहेगा. तो वो कितना रहेगा, V इज इक्वल टू I इंटू इनका R इक्विवेलेंट, 2 का इक्विवेलेंट 1, सो 1 × 0.1, सो वोल्टेज विल बी 0.1 वोल्ट. वोल्टेज आ जाएगा आपका 0.1 वोल्ट. और अभी करंट जाने के लिए यहाँ पे तो सिंपल है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो करंट कितना जाएगा, इसका आधा, सो 0.05 और 0.05. तो अभी ये दोनों में व्हाट इज द डिफरेंस, अगर पोटेंशियल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन, और करंट का कैसे दिखाते हैं. अगर ये भूल जाओ, कौन सा, ये भूल जाओ, और बेटा करंट को बोलते हैं 1 एम्पीयर. ओके,
को बोलते हैं 1 एम्पियर, बाकी भूल जाओ। अगर करंट है 1 एम्पियर और ये इसको मैं बोला, अरे यार 4 ओम, तभी आई डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन आई का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। सो इफ वी इज कॉन्स्टेंट देन माई आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो बेटा क्या बन जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस कम, जैसे कल हमने बताया उसमें से करंट ज्यादा जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें से कम जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रख के अभी इसका प्रैक्टिस करना है। तो ये अगर आपने याद रखा तो फटाफट फटाफट आपको प्रॉब्लम का लास्ट आंसर तक आप जा सकते हो। ओके, तो लेट मी पॉज द वीडियो एंड रब द बोर्ड, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, विल डायरेक्टली गो फॉर द प्रॉब्लम, वेट फॉर अ व्हाइल। Okay friends, the circuit is given and you are asked to calculate the current through x and y. तो बेटा x ये है, y ये है। थोड़ा आपको समझने के लिए फिर से एक बार मैं वैल्यू बताता हूँ आपको। वैल्यूज आर x है 2 ओहम, ये 2 ओहम है, ये 1 ओहम है, ये 2 ओहम है, ये 2 ओहम है, ये 1 ओम है, ये वाई है, और बैटरी 5 वोल्ट का दी है। तो क्या क्या निकालना है, करंट थ्रू एक्स एंड वाई, ऑल्सो फाइंड टोटल करंट, टोटल करंट भी आपको फाइंड करना है ये सर्किट में। ओके, अभी दिखाते हैं क्या करना है। तो यहां पे बेटा पहला हम आर इक्विवेलेंट निकाल के लेते हैं, आर इक्विवेलेंट। तो ठीक से देखो बेटा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन लोगों के बीच में कोई नहीं, तो यहां से 1, 2 और 3 तीन रेजिस्टेंस एक जगह से गए। तो ये निकालने के लिए मैं इधर निकाल सकता हूं 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये बन गया 3। ये आगे चल के आगे गया, ये उसको कनेक्ट हुआ और ये और एक मिलके कनेक्ट हुआ और नीचे से एक, मतलब वो हम सीरीज में दिखा सकते हैं। तो ये सर्किट ऐसे बन गया, ये देखने के लिए आपको, आप नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो फिर से बता देता हूं मैं, थोड़ा सा बड़ा निकालता हूं उसको। आई विल ट्राई टू ड्रॉ इट हियर। पहले क्या है, एक पॉइंट लिया, यहां से ऐसे निकालता हूं, मतलब आपको समझ जाए। यहां पे आपका एक, बाद में ये भी, ये बीच में पैरेलल, फिर से 2, यहां से 1 और आपका बैटरी बन गया। यहां पे ये आपका x है, ये आपका y है, ये 2, ये भी 2, ये 1, ये 2 2। तो r इक्विवेलेंट कितना होंगे बेटा, r इक्विवेलेंट डायरेक्टली करो, 2 प्लस 2 दैट इज 4, 2 प्लस 2 4, सो इट इज 4 पैरेलल 1। तो पहले क्या करने के लिए, 4 पैरेलल 4 का पहले करके लो, 4 पैरेलल 4 का 2 आता है, तो 2 पैरेलल 1, सो 2 × 1 / 2 + 1 दैट इज 2 × 1 = 2/3। तो इसका आर इक्विवेलेंट आएगा
टू बाई थ्री ओम हो गया, आधा काम तो हो गया। वी कितना दिया है? फाइव ओम। तो पहले बेटा टोटल करंट सर्किट का निकाल के देते हैं। आपको चाहिए तो पॉज करो, ओके, और लिख लो। आपको टोटल करंट पहले निकाल के देते हैं सर्किट का, आई टोटल। तो आई टोटल कितना आएगा? वी इज इक्वल टू आई आर, सो आई विल बी वी अपॉन आर। सो वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट निकाले हमने 2/3, वी है 5 वोल्ट। तो अपना टोटल करंट कितना बन जाएगा? आई विल बी वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, दैट इज 5 अपॉन 2/3, दैट इज 15/2 एम्पियर। बन गया। अभी 15/2 यहां से निकलेगा, यहां से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बराबर। यहां से देखो, मैं आपको बाकी का नहीं करने वाला, आप करने वाले हो। यहां से जाके वो ये 15/2 पूरा इससे जाएगा, तो इसका तो हो गया करंट थ्रू वाई, ये कितना आएगा 15/2 डायरेक्ट। जितना करंट आएगा उतना इसमें जाएगा, क्योंकि वो सीरीज में है, ये सबको ये सीरीज में। यहां पे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा करंट। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको? इसका मिला के रेजिस्टेंस निकालो, 2 to 4, यहाँ पे 2 to 4 और यहाँ पे 1। तो इसको दो मेथड होते हैं, एक वोल्टेज मेथड से कर सकते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से कर सकते हो। ओके, हमको तो वोल्टेज नहीं पूछा है, तो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से कर सकते हो। देखो कैसे होता है। आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, बराबर। तो यहाँ पे वो 4:1:4 में बढ़ जाएगा, करेक्ट। सो 4x + x + 4x इज इक्वल टू 15/2, सो 9x इज इक्वल टू 15/2, सो x इज इक्वल टू 15/2 डिवाइडेड बाय, मतलब 1/9, सो 3/5, सो 5/6। सो यहाँ पे कितना आएगा? 4/5 = 20/6 आएगा, यहाँ पे भी 20/6 आएगा, और यहाँ पे 1 मतलब 5/6, सो 20 + 20 = 40, 45/6। सो 15 × 3 = 45, 2 × 3 = 6, सो आएगा। ऐसे ये मेथड से आपको इजी जाएगा। व्हेन यू विल बी सॉल्विंग द MCQs, एट दैट टाइम दिस मेथड विल बी हेल्पिंग यू क्वाइट अ लॉट। तो बेटा आपको मैं कोई प्रॉब्लम देता हूँ तो उनका आज प्रैक्टिस करो। इसी के लिए मैंने आपको पूरा एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाया। मैं आपको बोर्ड पे दो प्रॉब्लम देता हूँ, आप बाद में उसका प्रैक्टिस करो। बाद में हम दूसरे मेथड को जाएंगे, तब तक मैं वीडियो पॉज करता हूँ। आपको दिखेगा नहीं वो, मैं पॉज करके ये पूरा करूँगा। आपको अगर लिखना है तो लिख दो, ओके। तो बेटा 3 प्रॉब्लम्स आई हैव गिवन हियर। इन फर्स्ट प्रॉब्लम यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स माने आपका अननोन रेजिस्टर, आपको अननोन रेजिस्टर का वैल्यू निकालना हो। तो कैसे निकालने का? तो यहां पे आप सिंपल फॉर्मूला यूज करो, वी इज इक्वल टू आई आर, आर की जगह डालो आर इक्विवेलेंट। So V is equal to I into R equivalent, and R equivalent will be V upon I. और इनका R equivalent calculate करो। V तो मालूम है आपको, I मालूम है आपको। R equivalent कैसे पता चलेगा? 2 + 3 parallel x, 2 + 3 = 5, 5x / 5 + x is equal to 5. तो इससे आप calculate करो, ओके। यहाँ पे देखो, ऐसे जब जब आपको problem आएगा तो ये देखो, अभी फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। तो आपको एक ही हिंट देता हूं मैं, ये देखो 1, 2, 3, 4, तो ये बी, ये भी बी ही होगा ना, कॉमन कनेक्टेड है, तो इसको भी मैं बी बोल सकता हूँ, इसको भी मैं बी बोल सकता हूँ। अगर ये चारों बी है तो आई कैन कनेक्ट देम डायरेक्टली इन पैरेलल। हाँ, तो ये आप करके दो। ये क्राउन निकाला मैंने छोटा सा, तो ये क्राउन में आपको x फाइंड करना है, आपको करंट दिया है। जैसे ये किया,
वैसे ही ये करना है, आर इक्वेलेंट निकालो, आर इक्वेलेंट इज इक्वल टू वी अपॉन आर। सो फ्रेंड्स ट्राई फॉर दिस प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू गेट द आंसर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपके प्रैक्टिस के लिए और चार, दो या चार प्रॉब्लम मैं आपको दे देता हूँ, तब तब इसको इसको पॉज करो और लिख के लो प्रॉब्लम। ओके फाइन, अभी हम आगे निकल। सो फ्रेंड्स ट्राई टू सॉल्व दिस वन, सेम फाइंड एक्स, फाइंड एक्स ये भी करो। इसके साथ साथ आपको और कुछ सिंपल सिंपल प्रॉब्लम इधर दे देता हूँ, उनका भी प्रैक्टिस करो। इसमें आर ए बी निकालना होगा आपको, ए और बी के बीच में छोटे छोटे स्ट्रक्चर देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। ये कल लिया है मैंने। ओके टू ओहम, थ्री ओहम, टू ओहम, ये भी बाद में निकालो, इसलिए मैंने कुछ किया नहीं है, अब करो उसको। ग्रीन से दिखाई देगा नहीं देगा क्या मालूम नहीं, देखता हूँ। नहीं और एक निकलते हैं, ट्रायंगल बनाए। ओके वन ओहम, टू ओहम, इसको बोलो, इसको बी बोलो। ओके बहुत वेरिएशन है, यू मे डू लॉट ऑफ वेरिएशंस। तो इसके साथ और एक देता हूं आपको प्रॉब्लम, फाइंड एक्स। ओके ये भी करो, फाइंड एक्स। ओके थोड़ा इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ऑल्सो वी विल ट्राई टू गेट द वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज। तो इसके ही बीच में आप ये भी कर सकते हो, इन दोनों का वोल्टेज निकालो, ये वोल्टेज कितना होगा, ये वोल्टेज कितना हुआ, बाद में चेक करो इन इन तीनों का वोल्टेज सेम आता है कि नहीं। यहाँ पे देखो ये वोल्टेज अलग से निकालो, ये निकालो, ये निकालो, इसमें से करंट निकालो, इसमें से करंट निकालो, तो आपका प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। एक ही प्रॉब्लम में आप लगातार अलग अलग से प्रॉब्लम कर पाओगे। तो इन दिस वे यू कैन ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग टू द electricity. Now we'll go for some special important things which are related in your magnetic field. तो ये करने के बाद आप थोड़ा pause करो, थोड़ा rest ले लो, मतलब तो हाँ ठीक है ठीक है, एक लेता हूँ क्योंकि वो important है आपको recall करने के लिए। ये तो मैंने problem का practice लिया ही था, इसका यूज़ आपको होगा आपकी शीट जो आपको मीरा मैडम ने या पाटिल मैडम ने दिया होगा, उस शीट में जो सब प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए इसका यूज़ होगा। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो आप उसका पिक निकाल के व्हाट्सएप पे भेजो, मेरा व्हाट्सएप नंबर तो आपको मालूम है, मैं आपके ग्रुप में ही हो तो वहाँ से आप पूछ सकते हो 24/7 एनी टाइम, यू मे आस्क मी व्हेनेवर आई विल बी फ्री, आई विल बी गिविंग यू द आंसर। बीच बीच में मैं भी वीडियो बनाते रहता हूँ तो आपको आंसर दे दूंगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लीज़ इसका प्रैक्टिस करो। ओके बेटा, वी विल गो फॉर नेक्स्ट इन द
नेक्स्ट वीडियो, दो वीडियो बना रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिसिटी का हुआ, मैग्नेट का भी एक और वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। ओके।